अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले हिंदुओं को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए लोगों के हित में बड़ा ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने 63 बंगाली हिंदू परिवारों को जमीन के पट्टे स्वीकृत कर दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान हिंदू परिवारों को आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए धनराशि भी स्वीकृत की है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परिवारों की स्थिति काफी समय से बदहाल थी। हमने योजना बनाकर इन परिवारों के हित में काम करने की कोशिश की है। ये 63 पट्टे देकर हमने सीधे सीधे 400 लोगों को लाभ पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि इन लोगों को घर बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से 1,20,000 रुपए भी दिए जाएंगे। सभी 63 हिंदू बंगाली परिवारों को कानपुर देहात जिले के रसूलाबाद के भैसाया गांव के महेंद्र नगर में बसाया जाएगा। पिछले वर्ष 11 नवंबर को ही उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में इन परिवारों की पुनर्वास प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। 1971 में बांग्लादेश से आए कुछ परिवारों को महेंद्र नगर में ही बसाया गया है और अब पूर्वी पाकिस्तान से आए परिवारों को भी यहीं बसाया जाएगा। इन परिवारों के सदस्यों को इनकी योग्यता के अनुसार मनरेगा में भी काम दिया जाएगा। आपको बता दें कि आज से करीब 52 वर्ष पहले 1970 में 65 बंगाली हिंदू परिवार पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए थे और मेरठ के हस्तिनापुर में बस गए थे। इन परिवारों के पुनर्वास के लिए इन्हें पास के ही मदन सूत मंजिल में काम दिया गया था, लेकिन 1984 में ये मिल बंद हो गई और इनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया। दो परिवारों के सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है और 63 परिवार पिछले 38 साल से संघर्ष कर रहे हैं। इस लंबे संघर्ष के बाद आज योगी आदित्यनाथ ने इन सभी हिंदू परिवारों के लिए ये बड़ा ऐलान कर दिया है।